पोषण ट्रैकर का न्यू वर्जन लॉन्च जो हो गया है, तो सबसे पहले आप सभी को अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लेना है। आपको प्ले स्टोर से पोषण ट्रैकर सर्च करना है। आप यहाँ पे पोषण ट्रैकर सर्च कीजिएगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पोषण ट्रैकर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से आप अपना नया पोषण ट्रैकर अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ आपको पोषण ट्रैकर के आइकन के सामने आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप इसे क्लिक कीजिएगा। और आज की जो पोषण ट्रैकर की हमारी नई अपडेट आई है, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पोषण ट्रैकर का नया वर्जन लॉन्च हुआ है। इसमें आपको महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेगी। आप इस तरह से अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लीजिएगा। और जैसे आपका पोषण ट्रैकर अपडेट होता है तो आप अपना पोषण ट्रैकर को ओपन कर लीजिएगा। आप इसे यहाँ से ओपन करेंगे एंड उससे पहले हम अपने पोषण ट्रैकर का नया वर्जन जो आया है इसमें हमारी क्या नई अपडेट आई है उसको जान लेते हैं। आपको यहाँ पे पोषण ट्रैकर पे क्लिक करना है। आप यहां पे क्लिक करेंगे एंड यहां से आप नीचे देख सकते हैं कि पोषण ट्रैकर की नई अपडेट आई है। यहां पे आपको सामने एक एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है, आप इसे ओपन करेंगे, क्लिक कीजिएगा एंड यहां पे आपको पोषण ट्रैकर की नई अपडेट जो आई है आज की वो देखने को मिलेगी। तो यहां पे आपको हॉट फिक्स फॉर कैलेंडर इशू विल माइग्रेटेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू लैक्टेशन मदर, जो हमारी काफ़ी समय से गर्भवती को स्तनपान महिला में बदलने में जो हमारा इशू हो रहा था वहाँ पर हमारी डिलीवरी डेट चेंज नहीं हो पा रही थी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे नई अपडेट आई है। आप इस पोषण ट्रैकर को अपडेट कीजिएगा, उसके बाद ही आपका जो ये प्रेग्नेंट टू लैक्टेटिंग मदर में चेंज करना है वो इशू सॉल्व होगा। तो चलिए इस अपडेट को अपने पोषण ट्रैकर पे जाके चेक कर लेते हैं। आप यहाँ से अपने पोषण ट्रैकर को ओपन कीजिएगा एंड पोषण ट्रैकर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी पे जाना है। लेकिन उससे पहले आप सभी को ये जान लेना है कि पोषण ट्रैकर का हमारा जो नया वर्जन लॉन्च हुआ है वो हमारा कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ है, तो आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे मोर पे जाना है। आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपका जब भी पोषण ट्रैकर नया लॉन्च होता है तो आपको यहाँ पे उसका अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको उसका अपडेट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 18.7.3 आपका जो नया न्यू वर्जन आया है तो आपका ये आया हुआ है। एंड उसके बाद जो हमारा अगली अपडेट आएगी तो उसमें आपको 18.7.4 देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से अपने होम पेज पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी में जाना है। आप बेनिफिशियरी क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका जो इशू था वो गर्भवती से धात्री में यानी गर्भवती को स्तनपान महिला में कन्वर्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी उससे रिलेटेड आज का ही नोटिफिकेशन है। आज का नोटिफिकेशन केवल आपको इसी के लिए दिया गया है कि आपको पोषण ट्रैकर में जो दिक्कत हो रही थी वो आपकी सॉल्व हो गई। तो आप पहले अपना पोषण ट्रैकर को अपडेट कीजिएगा। आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है पोषण ट्रैकर। आप वहाँ पे पोषण ट्रैकर लिखेंगे तो आपको पोषण ट्रैकर का आइकन दिखाई देगा एंड उसके सामने आपको अपडेट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप यहाँ से आप वहाँ से उसे अपडेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो भी गर्भवती महिला को धात्री महिला में कन्वर्ट करना है तो उसके लास्ट में आपको 3 बिंदु दिखाई देंगे। आप इन बिंदु पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। आप यहाँ से उसको चेंज करेंगे। आप इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे डिलीवरी डेट मेंशन करने में आपकी दिक्कत हो रही थी तो उसमें आपकी जो डिलीवरी डेट है वो यहाँ पे मेंशन हो जा रही है। आप इसको अपडेट कर देख लीजिएगा। यहाँ पे आप इस तरह से अपनी डिलीवरी डेट डालेंगे एंड उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपको एक नया फॉर्म दिया जाएगा। उसमें आपको अपनी स्तनपान कराने वाली महिला का डिटेल फिलअप करना होता है तो आप उस बच्चे की डिटेल को वहाँ पर फिलअप करेंगे एंड उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। तो इस तरह से आप सभी अपनी गर्भवती को स्तनपान महिला में बदल सकते हैं। और उम्मीद करूंगी कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने स्टाफ में, सभी आंगनबाड़ी वर्कर तक। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पोषण ट्रैकर की इसी प्रकार की नई जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको।